बच्चों, आज हम आपको रंगमंच के विषय में कुछ जानकारी देंगे। हमारा आज का विषय है कि मंच पर किस तरह से संवादों को प्रभावी ढंग से बोला जाए। आम जिंदगी में तो हम लोग अपने घरों में अपने माँ बाप के साथ, अपने दोस्त मित्रों के साथ, स्कूल में अपने मित्रों के साथ जब हम किसी भी तरह से कैसे भी बातचीत कर लेते हैं, लेकिन एक नाटक में जब कोई भी चरित्र बातचीत करता है तो उसे हम संवाद कहते हैं। और संवाद बोलने के लिए हमें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, तभी हमारे संवाद प्रभावी रूप से दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वैसे तो इस विषय पर बहुत से नाटककारों ने, बहुत से नाटक के विद्वानों ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत सारी बातें बताई हैं, बहुत सारी तकनीकों के बारे में जानकारी दी है, लेकिन आज हम उन सभी बातों की गहनता में ना जाकर बहुत ही संक्षेप में कुछ मुख्य मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे ताकि हम उसका लाभ उठा सकें। तो सबसे पहली बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जो कुछ भी अभिनेता मंच पर बोले वो दर्शकों तक साफ और स्पष्ट रूप में पहुंचना चाहिए, यानी कि उसके संवाद यानी शब्द स्पष्ट होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है? चलो हम उसे बोल के बताते हैं जी। अब तो अनिल, तुमने जो कुछ भी नाटक वाटक जो किए हो, कोई भी नाटक किया हो, उसका एक संवाद बोल कर बताओ जरा जी। हाँ। बहन मक्खी, अब मैं नहीं बचूंगा, कहा सुना माफ करना बहन। मुझे इन आदमियों ने यहाँ जमा गंदे पानी में छिड़काव करके घर से बेघर कर दिया। तो इसमें आपने देखा कि अविरल ने जो भी संवाद बोला पूरी तरह से साफ नहीं था, स्पष्ट नहीं था। हमें मंच पर जब भी कोई चरित्र निभाना होता है तो संवाद बोलने के लिए उसे स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जैसे बहुत ही सही तरीके से। एक मक्खी भाई, मक्खी क्या है, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, बहन। हाँ, मक्खी बहन, ये देखो मेरा बहुत बुरा हाल हो गया है, बुरा बुरा भला कहा सब माफ करना। ये आदमियों ने होते हो मेरे घर पर छिड़काव करके मुझे घर से बेघर कर दिया है, अब मुझसे और नहीं रहा जाता, मुझे माफ करना मक्खी बहन। तो इस तरह से एक एक शब्द हमें बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोलना चाहिए ताकि हमारी बात सही रूप में दर्शकों तक पहुंच सके। अब दूसरी मुख्य बात कौन सी होती है अर्जुन, मालूम है जी? नहीं। तुम्हें मालूम है सौम्या? नहीं। हमारी बात जो है दर्शकों तक, ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक रंगमंच में पहुंचनी चाहिए, ये पूरा फर्ज होना चाहिए, ये हमारा दायित्व है कि हमारी पूरी बात दर्शकों तक पहुंचे। तो उसके लिए हमें प्रोजेक्शन पे ध्यान देना चाहिए बात को संप्रेषित करने के लिए। तो उसके बात को कैसे संप्रेषित करेंगे, इसी संवाद को जरा फिर से बोल के दिखाओ। दीनू, हाँ। बाहर जाकर गाय को चारा डालाना, हाँ। और जो लकड़ियां रखी हैं उन्हें चूल्हे के पास रख देना, हाँ। खिलाने के काम आएंगी। अब तुम बोलो जरा सुन। दीनू, बाहर जाकर गाय को चारा डालाना, हाँ। और हाँ, वहाँ बाहर जो लकड़ियां रखी है उन्हें चूल्हे के पास रख देना, चलाने के काम आएंगी। देखा आपने, ये संवाद अभी पूरी तरह से दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रहे, बहुत ही धीमे बोले गए। अब इसको हम पूरी ऊर्जा के साथ बोलेंगे तो किस तरह से बोलेंगे? अरे दीनू, बाहर जो लकड़ियां रखी हैं उसे उठाकर ले आना, और हां, गाय को चारा भी डाल देना। तो हमें जब भी संवाद बोलना चाहिए थोड़ी सी ऊर्जा के साथ बोलना चाहिए। अच्छा सौम्या, अब तुम एक सिपाही की तरह से कुछ संवाद बोल के बताओ। अंग्रेजों का शासन मिटाने के लिए हमें सामूहिक शक्ति से एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना करना होगा। हाँ, जो मुख्य बात आती है वो है शब्दों में उतार चढ़ाव की, यानी कि जो भी संवाद हम लोग बोले मॉड्यूलेशन की। मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, जो भी संवाद हम लोग बोले उसमें शब्दों में उतार चढ़ाव होना चाहिए, यानी वेरिएशन होना चाहिए। यदि वेरिएशन के साथ जब हम अपने संवादों को बोलते हैं तो उसके भाव सही रूप में दर्शकों तक पहुंच पाते हैं। तो हम वेरिएशन के लिए एक उदाहरण लेते हैं।
तो अविरल अब तुम कोई उदाहरण देके हमें वेरिएशन के लिए बताओ किस तरह से बोलोगे। सुनो 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 पैसे के दो बताशे चुनो, दमदमपुर के रहने वाले हम, मशहूर कहानी कहने वाले हम, झूठा जो सिद्ध करेगा इसे थप्पड़ पड़ेंगे लोगों पर उसे। एक भाव तो ये हुआ कि एक कहानी कहने वाला जो कि दर्शकों से बात कर रहा है, तो एक भाव से वो ये कह रहा है कि जो भी बात कहानी मेरी झूठी सिद्ध करेगा उसको थप्पड़ पड़ेंगे। लेकिन दूसरे भाव में हम इसको एक जब तोतली भाषा में बच्चों के लिए जब हम उसको पेश करेंगे तो किस तरह से करेंगे। सुनो 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 पैसे के दो बतासे चुनो, दमदमपुर के रहने वाले हम, मशहूर कहानी कहने वाले हम, झूठा जो सिद्ध करेगा इसे अरे थप्पड़ पड़ेंगे दो मुंह पर से। कोई भी शब्द जो भी हम लोग बोलें मंच के ऊपर वो साफ और स्पष्ट होना चाहिए। इसमें शब्दों के उच्चारण के ऊपर बहुत से लोग विद्वान हैं जो कि जानकारी रखते हुए भी शब्दों को गलत उच्चारण करते हैं। जैसे कुछ लोग सा को शा बोलते हैं और फा और ला में कई तरह की भिन्नताएं नहीं कर पाते। तो किस तरह से हम उच्चारण करेंगे शब्दों का सही तरह से करना चाहिए उसके लिए हमें एक उदाहरण लेकर बोल करना चाहिए। ठीक है, आप उदाहरण बेटा पढ़ो बोलो जरा जी। हमारा देश एक महान देश है, फिर भी हमारे देश की दशा बड़ी दयनीय है। हमारे धर्म और भाषाएं अलग अलग हैं, हमारे यहाँ शादी ब्याह के भिन्न भिन्न रीति रिवाज हैं, फिर भी हम सब एक हैं। देखा आपने, इसमें जो जनता से बात कर रहा है तो ये जो उच्चारण जो है शब्दों के वो हमें संवादों में ध्यान देने चाहिए कि कहीं उनका गलत उच्चारण ना हो। और हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि कहां पर संवाद में कामा लगा हुआ है, कहां पूर्ण विराम है, कहां प्रश्नवाचक लगा है, कहां संबोधक लगा है। हमें उन शब्दों को भी ध्यान में रखकर अपने संवादों को बोलना चाहिए। हमें आशा है कि आप जो कुछ भी हमने यहां पर बताया संवादों को बोलने के लिए, उन शब्दों के उन बातों को ध्यान में रखकर जब भी आप लोग मंच पर काम करेंगे उसका ध्यान रखेंगे और शब्द संवादों को प्रभावी ढंग से बोलने में सहायक सिद्ध होंगे।